दोस्तों बीच बीच में हमेशा हम लोग को खबरें मिलती रहती हैं या हम सभी के साथ कभी कभी ये घटनाएं होती रहती हैं कि हमारे स्मार्टफोन हैक हो जाते हैं और हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है या कोई दूसरा हमारी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हम अपने स्मार्टफोन को हैक होने से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपने स्मार्टफोन में जो भी पासवर्ड लगाते हैं उसको स्ट्रांग पासवर्ड के रूप में रखें। कभी भी 1, 2, 3, 4, 5 या कुछ गिनती या नाम ऐसा पासवर्ड न रखें। जब भी पासवर्ड को चूज करें तो न्यूमेरिक, टेक्स्ट और सिंबल इन सबको मिला करके रखें। इसके अलावा दूसरा पॉइंट ये है कि अपने फोन को हमेशा अपडेट रखें। जो भी कंपनी को आप यूज कर रहे हैं, चाहे आईफोन को यूज कर रहे हैं, चाहे एंड्रॉयड को यूज कर रहे हैं, तो जो भी अपडेट्स आती हैं, चाहे एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर आए और या आपके एप्पल प्ले स्टोर पर आए, अपने ऐप को और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट करें। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल न करें। कोई भी ऐप को इंस्टॉल करें, जो भी आप चाहे गूगल प्ले स्टोर से या एप्पल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, किसी भी थर्ड पार्टी ऐप को इंस्टॉल न करें। नेक्स्ट पॉइंट, पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि बहुत से हैकर या बहुत से लोग इस तरह से अपने वाईफाई को ऑन करके रखते हैं ताकि कोई भी वाईफाई का यूज करे, कोई भी स्मार्ट यूजर, और हम उसके डेटा को या हम उसकी इन्फॉर्मेशन को आसानी से एक्सेस कर सके, हैक कर सके। ऐप को इंस्टॉल करने से पहले परमिशन देकर इंस्टॉल करेगी, क्या क्या परमिशन मांग रहा है, अलाउ। और जब भी आप ऐप इंस्टॉल करते हैं तो आपको ऑप्शन मिलते हैं अलाउ और डिनाई का ऑप्शन, तो परमिशन को देख करके तभी ऐप को इंस्टॉल करें, अदरवाइज ऐप को इंस्टॉल ना करें। नेक्स्ट पॉइंट है, जरूरी ऐप को लॉक करें। जैसे आप मान लीजिए कि कुछ उदाहरण के तौर पे आप फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ ऐसे ऐप को यूज करते हैं, जरूरी ऐप को लॉक करें। जैसे आप फेसबुक, व्हाट्सएप और कुछ ऐसे ऐप को यूज कर रहे हैं जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन कोई चुरा सकता है, लीक हो सकती है, तो ऐसे में आप अपने ऐप को जरूर पासवर्ड प्रोटेक्टेड करें, लॉक करके जरूर रखें, ताकि कोई भी अगर यूज करना चाहे तो परमिशन मांगे, अदरवाइज आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अपने फोन को इनक्रिप्शन को इनेबल करें ताकि कोई भी आपके फोन को आसानी से एक्सेस ना कर पाए। नेक्स्ट पॉइंट है, मोबाइल को रूट ना करें। रूट एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसको आप चेंज कर सकते हैं, चेंज कर देते हैं ताकि कोई भी आपको एक्सेस ना कर सके। कभी इस पर भी हम एक वीडियो डिटेल में बनाएंगे कि रूट क्या होता है। अपने फोन का बैकअप अवश्य लें और समय समय पर लेते रहें, क्योंकि हम सभी लोग कहीं पर भी जाते हैं तो जब हम लोग कहीं पर भी जाते हैं तो हम लोग को कुछ चीजें अच्छी लग जाती हैं, जैसे फोटोज है या कॉन्टेक्ट नंबर है या कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके लिए आप अपने फोन का बैकअप समय समय पर जहां पर भी आप लेते हो, चाहे जीमेल ड्राइव पर या कहीं पर भी, इसके अलावा आप अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में या किसी और जगह रख सकते हैं ताकि आप सुरक्षित रहें। है कि स्पैम लिंक को क्लिक ना करें। कभी भी आपको कोई ऑफर ऑप्शन आता है कि आप 1,00,000 रुपए जीत चुके हैं, इस पर क्लिक करें, अगर इस तरह से कुछ ऑप्शन आता है तो कभी भी इस लिंक पर ना क्लिक करें, अदरवाइज आप स्पैमिंग के धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं और आपका मोबाइल स्मार्टफोन हैक हो सकता है। अगला पॉइंट, अपने जीमेल को या जो भी ईमेल आप यूज करते हैं उसमें 2-स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल करें, ऑन रखें, ताकि कोई भी जब भी अगर पासवर्ड भी जान जाए और लॉगिन करने का प्रयास करें तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा जो कि केवल कोई नहीं जानता है, केवल आप ही। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि आपके स्मार्टफोन कैसे हैक हो सकते हैं, आप लोग आई बटन पर जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि